बुधवार को देश भर के साथ साथ पलवल में भी हरियाली तीज उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पतंगों दुकानों पर भीड़ दिखाई दी गई। आसमान भी रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ नजर आया। छतों पर युवा म्यूजिक के साथ पतंग उड़ाते हुए नजर आए। समय के साथ साथ कुछ त्योहारों में भले ही लोगों की रुचि कम होने लगी हो, इसके बावजूद भी हरियाली तीज, रक्षाबंधन, होली या फिर दीपावली त्योहारों को आज भी दिल से मनाया जाता है। इसी कड़ी में हरियाली तीज के अवसर पर पलवल में भी त्योहारों को मनाने का उत्साह लोगों में देखा गया। इस मौके पर जहां लड़कों ने छते पर म्यूजिक के साथ पतंगे उड़ाई, वहीं लड़कियों और महिलाओं ने झूले झूलकर तीज उत्सव मनाया। छतों पर वो मारा वो काटा की ध्वनि के साथ ही एक दूसरों की पतंगों को काटने का मजा युवा दिन भर लेते रहे। पतंगों में भी ज्यादातर युवा तिरंगा की पतंगों को पसंद कर रहे थे। हालांकि पतंगों के आकाश में उड़ने से पक्षियों को उतने में परेशानियां हुई, लेकिन पतंग की डोर से पक्षी घायल भी हुए। न्यू कॉलोनी में एक दुकान पर पतंग की डोर खरीद रहे कालरा कॉलोनी निवासी युवक सुमित ने बताया कि पहले वह खुद त्योहार मनाते थे, अब बच्चे के साथ मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समय जो लोग प्लास्टिक या कांच का मांजरा खरीद रहे हैं वे बेहद ही गलत है, इससे औरों को नुकसान पहुँचता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी कहाँ रहते हैं? मैं पलवल में कालरा कॉलोनी में रहता हूँ। अभी आप आए हैं, ये डोर ले रहे हैं तीज का, कहाँ से ले रहे हैं? ये मैं ले रहा हूँ संजयपुर तक भंडार से। कैसे मना रहे हैं त्यौहार को, किस नज़र से देख रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आजकल त्यौहार की जो वैल्यू है रोज रोज कम होती जा रही है। पब्लिक को त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, फैमिली के साथ, मिठाइयों के साथ कुछ खाना पीना इंजॉय करना चाहिए। और मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को प्लास्टिक की रील अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसके वजह से किसी की जान भी जा सकती है, किसी का गला भी कट सकता है, तो बच्चों का हाथ भी कट सकता है, इस तरीके के नुकसान हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब सेफ्टी से मनाएं त्यौहार को, खुशी से मनाएं, ये एंजॉयमेंट का त्यौहार है, और इस तरीके की रील यूज़ करें, क्योंकि आगे वाली है जो पहले यूज़ हुआ करती थी, और इसी को आगे बढ़ाएं। अभी सुमित जी बात करें, आप जो रील ले रहे हैं खुद के लिए है बच्चों के लिए? नहीं, बच्चों के लिए। यानी पहले खुद तीज मनाते थे बच्चों के साथ? जी, अब थोड़ी सी लाइफ ऐसी बिजी हो गई है, हम नौकरी भी करते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं त्योहार पे, ताकि इसको और अच्छे से मना पाएं और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाएं। क्या नाम बेटे आपका? प्रिंस। प्रिंस कहाँ रहते हो? पलवल। अभी इतनी पतंगे लेके जा रहे हो, त्योहार को कैसे मनाओगे? कुछ ना जी, बोटेंगे, एक वादूंगा एक वादूंगा एक वादूंगा। क्या लग रहा है तीज का त्यौहार कैसे मनाना? बढ़िया लग रहा है, बहुत पल्लू अच्छा लगा है, बादल में रंग बिरंगी पतंग उड़े हैं जी, देखिए अब पल्लू ये चमकने वाली।